हेलो सांसद जी नमस्कार। बताइए। फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत बिजली विभाग के जेई से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं ऑडियो में बिजली विभाग का जेई कह रहा है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। आप भी सुनिए वो पूरा ऑडियो। हेलो सांसद जी नमस्कार। बताइए आप नाम है आपका? आए आपका शुभ नाम क्या है? होरीलाल। होरीलाल जी यही है आपको कौन से फीडर में? ये अमृतपुर फर्स्ट है, अमृतपुर सेकंड है, दो पावर हाउस है। अच्छा अमृतपुर फर्स्ट अमृतपुर सेकंड। हाँ अच्छा मेरे पास ये खड़े हैं। बताइए आप बताएं। नगला बसोला। ये लोग तो नाव में ट्रांसफार्मर चुरा के ले गए थे। चुरा के ले गए थे कि उन्हें उतार के अपने घर बाहर रख लिया जाए? भूखा था। चलिए आप बताइए। मेरा दिमाग खराब। बताइए। हमारा दिमाग तेरे दिमाग बात ऐसे करता था। हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने क्या कर दिया? हमने क्या किया? नहीं हमने क्या किया बताइए आप। सांसद जी आपको नहीं, आपको मारना है मार दीजिए। हम टेप कर रहे हैं, आपको मारना है मार दीजिए। मार दीजिए आपको मारना है। हमने क्या गलती किया है? हमने गलती क्या किया आप बताएं आप। हमने क्या गलती किया है? हमने कोई गलती नहीं किया, किसी भी प्रकार की गलती नहीं किया। आप मारने के लिए कह रहे हैं, मार दीजिए हमको, मरवा दीजिए आप हमको। चलिए कोई बात नहीं, मरवा दीजिए आप। मारने के लिए आप कह रहे हैं? आप सांसद हैं? नहीं सांसद हैं आप, हमको मारने के लिए कह रहे हैं? मारने के लिए कह रहे हैं, मार दीजिए हमको, मार दीजिए। अपने अपने परिवार को बताए दे रहे हैं कि आपने धमकी दिया मारने की। हाँ तो अपने परिवार बिल्कुल बताए दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल बताए दे रहा हूँ मैं, बताता बिल्कुल मैं बताए दे रहा हूँ अभी। हम बताए दे रहे हैं आप मारने की धमकी दे रहे हैं। हमने क्या गलती किया है? नहीं क्या गलती किया बताए हमको। हमने क्या गलती किया है? कोई गलती हमने नहीं किया है। ट्रांसफार्मर चोरी किया, ट्रांसफार्मर चोरी करके लोग नाव द्वारा पानी में, ये बताते कि हमें जरूरत है ले जाते अपना। वो देखने देना तू। हमने सांसद जी FIR कर दिया, पुलिस विभाग जाने, पुलिस विभाग जानेगा। और आपने मुझे मारने के लिए कहा है? मैं अपने परिवार को बताए दे रहा हूँ अभी, तुरंत अपने परिवार को सूचित करता हूँ मैं। तुम अपने परिवार को बता दे। आपने मारने की धमकी दिया है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आपका? नहीं हम परेशान कर रहे हैं। हमने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं आपका हमने क्या बिगाड़ा बताइए आप। सांसद जी मैं आपको मारना, मुझे मार दीजिएगा, लेकिन मैं कोई ऑप्शन नहीं लिखूंगा इन लोगों के खिलाफ। हाँ आप मार दीजिए, हमने धमकी दिया है मारने की हमको ना। मैं अपने परिवार को बता दे रहा हूँ कि सांसद जी ने मुझे मारने की धमकी दिया है। मैं टेप कर लिया हूँ आपकी बात। तो सुना आपने कैसे सांसद गाली देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बीते 19 जुलाई का है, जब कायमगंज क्षेत्र के नगला बसोला गाँव का बिजली का ट्रांसफार्मर कुछ ग्रामीण खोल कर दूसरे गाँव ले गए थे, जिस संबंध में बिजली विभाग की जेई द्वारा देंद्र दल सिंह, सजीव राम मौजीलाल और राम रही सहित अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ ट्रांसफर चोरी का मामला कायमगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर ग्रामीण भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के पास पहुंचे। जब भाजपा सांसद ने जेई होरीलाल से फोन पर बात की, तभी फोन पर सांसद जी उत्तेजित हो गए और उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। अब इस पूरी घटना पर पीड़ित जेई ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 10:47 बजे मैं मुझा गांव जा रहा था चेक करने के लिए अपने सभी कर्मचारियों के साथ, तभी सांसद मुकेश जी का फोन आया कि साले तुम काम नहीं कर रहे हो, वहाँ ट्रांसफार्मर रख दिया गया, माँ बहन की गाली दी और मारने की धमकी दिया। इससे मैं बहुत हताहत हूँ और
मैंने अपने परिवार को भी बता दिया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे जान माल की रक्षा की जाए, हम हेलिया सांसद मुझे मार देगा जान से। ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब अपने बचाव में सांसद साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। तो हमारे हाथ पैर तो यही अधिकारी है और अधिकारी हमें जब हमारी जन समस्याओं का, हमारे लोगों की समस्याओं का, किसानों की समस्याओं का, आम जनमानस की समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो मेरे पास क्या आता। कभी कभी ये लगता है कि सांसद, कुछ लोग कहते हैं सांसद जी एक दमदारी से कहो, अब कोई अधिकारी ना सुने, जो महीना तीन तीन महीना चार चार महीना ट्रैक्टर का आए और नजरअंदाज करे और उसका बिहेवियर भी ठीक ना हो तो क्या कर सकते हैं। सांसद जी जेई का ये कहना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, सांसद जी ने मेरे साथ गाली गलौज किया है। नहीं, मैंने कहीं गाली गलौज उसमें नहीं गाली गलौज किया, मैंने तो यही कहा है कि मैं दिमाग खराब, कैसे एक जनप्रतिनिधि से बात की जाती है, कैसे। वहीं विद्युत विभाग के पीड़ित जेई ने थाना अमृतपुर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया जिसमें घटना का विवरण लिखते हुए सांसद के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, मुझे फोन पर धमकी दी और गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है।